फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आपको अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स के स्टेटस के बारे में नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो डेफिनेटली आपको पता नहीं चलता। कई बार आप कॉन्टैक्ट में होते हैं फिर भी आपको इसलिए नहीं पता चलता, आपको ये नहीं श्योर होता कि वो जो अपडेट्स आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी टेंशन की वजह से, किसी एडवर्स सिचुएशन की वजह से वो आपको सही अपडेट्स ना देते हो, क्योंकि वो आपसे, आपको खोने से डरते हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में मैं आपको इनवाइट करती हूँ, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर क्या है, इन्हीं करंट फीलिंग्स पे बेस होता है उनका फ्यूचर डिसीजन, जो इस रिलेशनशिप पे काफ़ी कुछ असर कर सकता है। दो पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल वन में है ये वॉच और पाइल टू पे है ये परफ्यूम, अक्वा जियो परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपका रेजोनेशन इजीली हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही, कोई बात नहीं, आप दोनों रीडिंग्स को देख लेना और फिर जिस रीडिंग से आपको रेजोनेशन या कंफर्ट ज़्यादा फील हो आप उस पाइल को और उस पूरी सिचुएशन को अपनी समझ लेना। पाइल वन इज दिस वॉच एंड पाइल टू इज अक्वा जियो परफ्यूम। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल वन वॉच के साथ। What is the current status or the feelings of your person? Whether you are in contact or no contact. अगर आपको सही अपडेट्स चाहिए तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। क्वेश्चन को दिल में दोहराइए, वो पर्सन की इमेज को विजुअलाइज कीजिए, टैरो एंजल्स से ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको जितना हो सके उतना सही इन्फॉर्मेशन मिले। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्योंकि इस पर ही डिसाइडेड होता है कि आपका फ्यूचर उनके साथ कैसा होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर दो ताकि आपको कार्ड्स आप सुन लीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। तो आपको अपने कार्ड्स पता चल गए, बहुत हद तक आपको दिख भी रहे हैं कार्ड्स। अब ध्यान से अपनी रीडिंग को सुनिए। पहले मैं जोडिया क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अर्थ साइन का इस रीडिंग में। अर्थ साइन इज वेरी प्रोमिनेंट, तो आप या आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो अर्थ साइन को डेफिनेटली बिलोंग कर सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या है, जो कि इस रिलेशनशिप पे लॉन्ग टर्म असर भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, वो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं अपने करियर पे, अपने काम पे या अपने किसी जिम्मेदारी पे। उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, आप देख सकते हैं।
एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और फिर थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपकी रीडिंग में मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है, और ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है थर्ड पार्टी, ये इनके घर का कोई मेंबर ही हो सकता है, इनका रिलेटिव ही हो सकता है, ये कोई उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है आपके अलावा का, ये इनके घर का ही कोई मेंबर है जो इनको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इनको अपने काम पे, अपनी जिम्मेदारियों पे फ़िलहाल ध्यान देना चाहिए और ना कि इस तरह से रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। खैर, उनके लिए ये टाइम वेस्टेज है क्योंकि वो लोग मैच्योर हैं, उनकी लाइफ के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपसे अलग हैं। आप डेफिनेटली इस बात का बुरा नहीं मना सकते कि वो क्या रिलेशनशिप को टाइम वेस्टिंग प्रोसेस समझते हैं। जो लोग मैच्योर हो जाते हैं, जिनकी रूह बूढ़ी हो जाती है, उनके लिए शायद ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। वो अपने नज़रिए से आपके पर्सन को ये बात को समझा रहे हैं, और आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन को ये भी समझाया है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देंगे तो रिलेशनशिप का अंजाम शायद इतना अच्छा ना हो। तो वो उनको ये समझा रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस करें, अपने काम पे तवज्जो दें, ताकि जो रिलेशनशिप आपके साथ उनको फ्यूचर में निभाना है उसमें उससे बरकत आए। वो ये समझाना चाहते हैं आपके पर्सन को, वो इस हिसाब से इसको टाइम वेस्टिंग प्रोसेस कह रहे हैं। ये नहीं कि आपके रिलेशनशिप की वो इज्जत नहीं करते, हो सकते उनकी मम्मी हो, उनके पापा हो, या उनके घर में उनका कोई बड़ा ब्रदर या सिस्टर, भाई भाभी, कोई भी, चाचा चाची, कोई भी हो सकता है जो उनको इस बात को समझा रहे हैं। उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने को कह रहे हैं, या उनकी कोई जिम्मेदारी पे ध्यान देने को कह रहे हैं, या उनका जो करियर है उस पर ध्यान देने को कह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों जब रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हों, जब रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, तो आप लोगों को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़े। ये बात को ध्यान में रखते हुए वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को गाइडेंस दे रही है, ये समझाते हुए कि अगर वो फोकस नहीं करेंगे इस चीज़ पर, अपने जिम्मेदारियों पे, तो आगे रिलेशनशिप को क्या संभालेंगे। तो इस तरह से वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपके पर्सन भी डेफिनेटली काम पर ध्यान देते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं, या अपनी जो भी जिम्मेदारी है, पढ़ाई है, जिस पर भी ध्यान देते हैं, वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर का ख्याल आता है। वो इस रिलेशनशिप को लेकर पैसिमिस्टिक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, उनको बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो थर्ड पार्टी जो उनको गाइड कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, अगर उनकी बात को मानकर इस वक्त वो ध्यान देंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी पढ़ाई पे, या अपने करियर पे, तो वो डेफिनेटली आगे जाके बेनिफिट करेगा आप दोनों के रिलेशनशिप को। ये समझते हुए वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, या वो जिम्मेदारियों पे फोकस कर रहे हैं। उनके दिल में ये ख्याल आता है इस तरह से करके कि जब फ्यूचर में आप दोनों साथ में होंगे तो वो आपको वो हर चीज़ देना चाहेंगे, प्रोवाइड करना चाहेंगे जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है, आपके सुकून के लिए भी ज़रूरी है। तो आपके पर्सन के दिल में ऐसा कोई नेगेटिव भावना नहीं है आपको लेकर, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ये बात को, ये सिचुएशन को आप दोनों के बीच की, कि अगर ये रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि जो जिम्मेदारियों पर ही ध्यान नहीं दे सकता वो अपने रिलेशनशिप्स पर क्या ध्यान देगा। रिलेशनशिप भी अपने आप में एक जिम्मेदारी है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ये बात को बहुत गौर से उन्होंने सुना है, बहुत ध्यान से समझा है, और उस पर वो अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे या आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिल में ये बात आती हो, लेकिन उनका इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, ये करने के पीछे पॉजिटिव ही है, क्योंकि आप दोनों के, अगर आप लोगों को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का सीन चल रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त वो आपसे बता नहीं सकते कि वो ये सोचकर अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप पर अगर फोकस करेंगे तो आगे जाकर इस रिलेशनशिप पे भी फोकस करेंगे। तो जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे
तो भी वो आपसे दूर होने के लिए ये सब नहीं कर रहे, इनफैक्ट आप दोनों का रिलेशन जल्दी से जल्दी सक्सेसफुली आगे जाके फ्लरिश हो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब कर रहे हैं। ये इसलिए कहा जा सकता है कि आपको पता है अगर लवर्स कार्ड आया है आपकी रीडिंग में तो डेफिनेटली लवर्स कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल, ये जब कार्ड्स आते हैं, सन, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश रहती नहीं है ऐसी रीडिंग में। हाँ, उनको जिस तरह से समझाया गया है उस बात का असर उन पर बहुत हुआ है, क्योंकि जिन्होंने उनको समझाया थर्ड पार्टी ने, उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन पे कि उनकी बात को समझकर वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त उनको फोकस करना ज़रूरी है अपनी जिम्मेदारियों पे, ताकि आगे जाके आपसे भी ना सुनना पड़े कि देखो तुमने ये सब नहीं किया तो तुम मुझे क्या संभालोगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर वो अपने आप को पूरी तरह से फोकस रखा है और किसी भी गलत चीज़ में नहीं, अपनी जिम्मेदारी पे ही साफ दिख रहा है, क्योंकि उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो आपका और उनका रिलेशन आगे जाके कहीं उसका ये अंजाम ना हो। आप देख सकते हैं टावर और फाइव ऑफ पेंटिकल्स जब आते हैं दोनों बहुत ही ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो थर्ड पार्टी की इस एडवाइस पे वो पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ पे, क्योंकि उनकी लाइफ से जुड़ी हुई है आपकी लाइफ, उनकी स्थितियों से जुड़ी हुई है आपकी स्थिति, तो ये सब बिगड़ ना जाए वो ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी पढ़ाई हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनका इमोशनल कोई, हाँ ये भी हो सकता है कि इमोशनली वो डिस्टर्ब हो तो थर्ड पार्टी ने उनको ये कहा हो आप अपने आप को पहले रिलीव करो, अपने आप को एलिमेंट्स में लाओ, अपने आप को संभाल के रखो, तभी तो वो आपको भी संभाल पाएंगे। तो किसी भी तरह का सजेशन दिखता है मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से, कोई एडवाइस दिखती है जिसको फॉलो करते हुए, उसके चलते हुए वो आपसे शायद इस वक्त कॉन्टैक्ट में नहीं है और आपको शायद सही अपडेट्स नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो आपको अभी नहीं बताना चाहते, या क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको जिस तरह से समझाया है, थर्ड पार्टी की वो बहुत इज्जत करते हैं और थर्ड पार्टी की बातों में आके तो नहीं कहेंगे, उनकी बातों को समझते हुए इस वक्त वो अपने जिम्मेदारियों पे फोकस करके बैठे हैं। तो जब भी आपसे बातचीत होगी वो डेफिनेटली आपको ये बात बताएंगे कि जब आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था उस वक्त क्या चीज़ उनको बिजी रखे हुए थी। तो डेफिनेटली घबराने की कोई भी बात नहीं है पाइल वन आप लोगों के लिए, आपके पर्सन का मुझे बहुत ही पॉजिटिव कंडक्ट दिख रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं और अगर आपको सही बात नहीं बताना चाह रहे किसी भी वजह से, तो रियल रीज़न यही है कि वो फोकस कर रहे हैं अपने जिम्मेदारियों पे, क्योंकि उनको जैसे समझाया गया है उसको मानते हुए उसके चलते वो अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि उन पे उनके ये स्टेप पे उनका और आपका रिलेशनशिप डिपेंड करता है। तो अगर वो इसमें सक्सेस हासिल करते हैं तो डेफिनेटली उनके मन में ये बात बैठी है कि आपके साथ का जो रिलेशन है उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगी। एक स्टेप अगर वो सही उठाएंगे, आने वाले बहुत सारे स्टेप सही उठेंगे। ये बात को ध्यान में रखते हुए आपके पर्सन टोटली फोकस्ड हैं अपनी जिम्मेदारियों पर। तो पाइल वन आपका रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको एज सच उनकी जो करंट फीलिंग्स है किसी भी तरह से आपके लिए नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी कि दे आर फोकसिंग ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो पाइल वन आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल टू परफ्यूम। वही मैं आपको कहूंगी फिर से, पर्सन का नेम दिल में दोहराइए, टैरो एंजल से ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको सही फीलिंग्स उनकी पता चले। चाहे आप कॉन्टैक्ट जोन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आइए देखते हैं आपके पर्सन की
तो अपने कार्ड सुन लीजिए, पाइल टू, चैरियट, पेज ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, फाइव ऑफ कप्स, सन। जोडिया की अगर बात करें तो वाटर साइन और अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है, वाटर एंड अर्थ साइन। आप या आपके पर्सन इस साइन को बिलोंग कर सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन इस वक्त एक इमोशनल डिल्यूजन में है। उनका जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेस्ड भी है, मैं ये भी कहूँगी वो डिप्रेस्ड हैं और थोड़े डिल्यूजन्ड हैं इस सिचुएशन को लेकर जो आप दोनों के बीच में फिलहाल है। उनके मन में कई बार ये फीलिंग आती है कि वो करे तो क्या करे इस रिलेशनशिप का, आगे बढ़े या फिर इसे ब्रेक ऑफ कर दे। ऐसी फीलिंग्स बहुत बार उनके दिल में ये सवाल, ये ख्याल बहुत बार आता है, क्योंकि इमोशनली मैंने आपको जैसे बताया बहुत ही डिसिल्यूजन फील कर रहे हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि जब आप दोनों, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों को इसलिए ज़्यादा रिजोनेट करेगी क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई होगी, इतना मन मुटाव हुआ होगा, इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे कि इसकी वजह से आपके पर्सन हैवी हार्ट के साथ उस वक्त आपसे सेपरेट हुए। तो उनके दिल में इस तरह के ख्याल बहुत आ रहे हैं कि वो क्या करें इस रिलेशनशिप को लेकर। तो मैं ये नहीं कहूँगी वो टोटली फेवर में है, टोटली फेवर नहीं करते इस रिलेशनशिप को, लेकिन एक डायलेमा में बहुत ज़्यादा है, एक जो बोलते हैं ना वो कश्मकश में बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, एक कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। कई बार ये गुस्से की वजह से होता है क्योंकि डेविल कार्ड भी आया है, तो एंगर है, प्यार भी बहुत है, एंगर भी बहुत है उनके दिल में, जिसकी वजह से ये ख्याल आना बहुत ही नॉर्मल है। तो इन एंड आउट हो रहा है उनका इमोशन रिलेशनशिप को लेकर। कभी उनको लगता है नहीं, सब कुछ भुला के मैं फिर से अपने पर्सन को कॉन्टेक्ट करूँ, कभी लगता है नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सारी पिछली पॉजिटिव बातें याद आती है जिससे इंसान अपने आप को तैयार करता है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे वो थोड़ा नेगेटिव सोचने लगता है तो सारी नेगेटिव बातें याद आने लगती है जिससे वो रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश करता है। तो इस वक्त आपके पर्सन, चाहे वो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं या अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, इस वक्त उनके दिल में कॉन्स्टेंटली इस तरह की फीलिंग्स, डबल फीलिंग्स जो कहते हैं ना, मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही हैं। इस वक्त उनका करंट सिचुएशन ये है, करंट फीलिंग्स ये है, कभी हाँ कभी ना, कभी रिलेशनशिप रखना है, क्योंकि जब अच्छी बातें याद आती है, पॉजिटिव बातें याद आती है, तो इंसान का दिल एकदम बाग बाग हो जाता है और वो चाहता है रिलेशन को कंटिन्यू करो। और जब नेगेटिव बातें याद आती है तो सारी पिछली नेगेटिव बातें याद आती है जिससे लगता है रिलेशनशिप में से ब्रेक ऑफ में कर दो। तो कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको ना उम्मीद होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसमें लास्ट का कार्ड है सन। अगर सन कार्ड आया है तो होप तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बाकी है। तो फाइनली यही होगा कि आपके पर्सन की जो नेगेटिव इमोशंस हैं इस वक्त, जो भी सिचुएशन में आप लोग सेपरेट हुए थे, उस पर हावी हो जाएंगी पॉजिटिविटी। आपके रिलेशनशिप की जो पॉजिटिविटी है वो हावी होंगी। तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली आपसे ये कहूँगी, मेरी आपको ये एडवाइस ज़रूर रहेगी कि आप जब भी उनसे आपका कॉन्वर्जेशन शुरू हो, फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ कम बैक करते हैं रिलेशनशिप में, बातचीत करते हैं, तो आप थोड़ा अपने टेंपर पे भी काबू रखिए, क्योंकि मुझे लगता है आप सही कहते होंगे लेकिन आपका जो अंदाज है उनको अपनी बात कहने का वो शायद बहुत रूड या हार्श हो जाता है। आप अपनी जगह पे गलत नहीं है। कभी कभी रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट्स में जब देरी होने लगती है तो इंसान अपना आपा खो देता है, अपना जो एक
एक लहजा है उसका हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अब जब उनसे फिर से बात करें, जब आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, क्योंकि जब सन कार्ड आया है तो कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा, और अगर कम्युनिकेशन है और आपको रियल फीलिंग्स उनकी नहीं समझ आती तो डेफिनेटली आपको समझ आ गई है, आपको ये भी पता चल गया है कि वो किस वजह से आपसे दूर हो जाते हैं, क्या क्यों आपको सच्ची बात नहीं बता सकते, वो आपको ये नहीं कह सकते कि आपका जो तरीका है उनसे पेश आने का गुस्से की वजह से वो इतना हार्श हो जाता है कि जिसकी वजह से उनका दिल इस तरह की कन्फ्यूजन में आ जाता है कि रिलेशनशिप को रखूँ या ना रखूँ। तो अगर आपका कंडक्ट आप बिल्कुल सही हैं, आपको जब गुस्सा आता है वो सही बात पे ही आता होगा, लेकिन बात यहाँ ये नहीं है आपको गुस्सा आया, लेकिन आपको अपना जो लहजा है उसको थोड़ा नरम रखना है, अपने दिल की बात क्लियरली उनको बताइए, अपना जो प्रॉब्लम है, इश्यू है इस रिलेशनशिप में उसको क्लियरली डिस्कस कीजिए, लेकिन एक प्यार से, एक जेनरोसिटी से, एक काइंडनेस के साथ। हो सकता है अभी उनके बस में वो सब ना हो जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, जो कमिटमेंट आप पूरा करवाना चाहते हैं वो शायद उनके बस में नहीं है, बहुत कुछ है जो वो भी करना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इमोशनली, मटेरियली, हर तरह से आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ये नाराज़गी है, आपका जो ये गुस्सा है, आपका आउटबर्स्ट है, वो इनको इतना डरा देता है कि वो फिर सस्पेंड से हो जाते हैं, दे गो इन अ सस्पेंशन फॉर्म कि मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं आगे प्रोग्रेस करना है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ। फिर एक पल आता है, नहीं, ये रिलेशनशिप में कितना कुछ है मेरे पास याद करने के लिए, अच्छी बातें कितनी कुछ है, ये होप से वो फिर नॉर्मल होते हैं। तो बार बार आपके पर्सन का इन एंड आउट बहुत हो रहा है, कभी उदासी तो कभी इस तरह से कि मैं क्या क्या ना कर दूँ अपने पर्सन के लिए। तो ये जो मिक्स्ड फीलिंग्स दिख रही हैं आपके कार्ड्स में, इसकी वजह ये है, मैं ये नहीं कहती कि वो आपसे अपना लिहाज सही रखते होंगे, कई बार उनमें भी रूडनेस आती होगी, लेकिन क्योंकि उन पर ज़्यादा असर हो रही है ये सारी सिचुएशन की, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जब इनसे बात करें अब थोड़ा अपना लिहाज जो है नरम रखें, इससे आपकी जो सिचुएशन है बहुत हद तक संभल जाएगी। तो उनकी जो करंट फीलिंग्स, मैं डेफिनेटली यही कहूँगी कि वो रिलेशनशिप को लेकर इन एंड आउट होते जा रहे हैं। अच्छी बात जब याद करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और जैसे उनको कुछ नेगेटिव बातें याद आती हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे को बोल दी होती है, उसमें जब आप थोड़े ज़्यादा हार्श हो गए होते हैं, रूड हो गए होते हैं उनके साथ, वो चीज़ याद आते हैं, वो फिर से घबरा जाते हैं और पीछे हटने की सोचते हैं। तो डेफिनेटली वो आएंगे, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, डेविल कार्ड जब आया है, लेकिन प्यार के साथ गुस्से का जो एलिमेंट है वो इस वक्त ज़्यादा स्ट्रांग है, एंगर का एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वक्त थोड़ी नेगेटिविटी उनके माइंड में है, लेकिन आउटकम पॉजिटिव ज़रूर होगा, ये आपके कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब जब आप लोग कॉन्वर्जेशन रिज्यूम करें, आपकी तरफ से उनको ये ना फील हो कि आप हार्श हैं, आप उनको बोलने दीजिए उनका क्या कहना है इस सिचुएशन के बारे में जो आप दोनों के बीच में है, उनको अपने दिल की बात आराम से कर लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको सही लगे वो अच्छे अंदाज में उनको समझा दीजिए, तो ये रिलेशनशिप संभलने के पूरे पूरे चांसेस है। एज सच करंट फीलिंग्स में थोड़ा नेगेटिव तो मुझे दिख रहा है, उनकी तरफ से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, जो उनका इन आउट होना है वो दिख रहा है मुझे, लेकिन क्योंकि फाइनल कार्ड आपका आउटकम कार्ड जो है वो सन है, तो डेफिनेटली आप दोनों में बातचीत दोबारा होगी, पर आपको इस बार संभालना है अपने कंडक्ट को, अपने एक तरीके को, बस थोड़ा उसको चेंज कर लीजिए, बाकी सब अपने आप ही संभल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता चल गई आपके पार्टनर की या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्योंकि इसी करंट फीलिंग पे बेस होता है आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ। आज अगर ये सब संभाल लिया, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप संभल जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, आपके दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।